नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023-24 जिसकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और उससे संबंधित आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाले हैं। खाली रह गई है 11,000 सीट्स कोचिंग योजना से जुड़ी हुई, आज की बहुत बड़ी खबर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके जो दस्तावेज सत्यापन है कब से शुरू हो रहे हैं और जो खाली रह गई सीट है, वो जो 11,000 सीट खाली रही है, इससे संबंधित आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा इस बार जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023-24 के लिए 15,000 सीटें अलग से बढ़ाई गई थी और उसमें कितने आवेदन टोटल आए थे उसकी तुलना में 11,000 सीट खाली रह चुकी है, उसकी बहुत बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहें वीडियो के अंत तक, संपूर्ण जानकारी आपको इसके तहत दी जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित। अनुप्रति कोचिंग योजना में खाली रह गई 11,000 सीट। जी हाँ, कोटा से इस समय की बड़ी खबर है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शुरू की गई अनुप्रति कोचिंग योजना में 11,000 सीट खाली रह गई है। कुल 30,000 सीट के मुकाबले 19,315 ही सीट भर सकी। जी हाँ, 30,000 सीट जो कि भरनी थी और उसके मुकाबले सिर्फ 19,315 ही सीट भर सकी। देखिए इसका कारण क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर ये सीटें खाली क्यों रही है और आगामी जो प्रोसेस है, ये जो सीटें खाली रही है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हालांकि आवेदन करीब 40,000 आए थे। जी हाँ दोस्तों, जो 30,000 सीटें भरनी थी उसके तहत जो टोटल आवेदन 40,000 जो है प्राप्त हुए थे, लेकिन किसी न किसी दस्तावेज की कमी रही है। गौरतलब है कि इस बार बजट घोषणा में 15,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई थी, जैसा कि आपको इस वीडियो में अभी पहले बताया। और जान लेते हैं इसकी पूरी अपडेट। 7 दिन में होगा सत्यापन। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन में अपलोड दस्तावेज का संबंधित जिला अधिकारी 7 दिन में सत्यापन व अनुमोदन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस समय आपने अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई किया था, जो डॉक्यूमेंट उसका जो है ऑनलाइन आवेदन के समय, उसका सत्यापन 7 दिन के अंदर होगा। संबंधित कोचिंग संस्थानों से बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित कर चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति दर्ज करवाना होगा। ध्यान से देख ले वीडियो में, आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है। कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा के अन्य सूचीबद्ध संस्थान का चयन करना चाहे तो विकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट देख सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी पहले चयनित संस्थान के स्थान पर, जी हाँ, उसी परीक्षा के अन्य सूचीबद्ध संस्थान का, यानी कोई दूसरा संस्थान अगर लेना चाहे तो उसका भी जो ऑप्शन है वो पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो यही थी इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023-24 से संबंधित है। दोस्तों, जैसे ही इसकी कोई अगली मेरिट लिस्ट जारी होगी या उससे संबंधित कोई अपडेट आएगी, आपको हमारे इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज, दैनिक समाचार, इन सभी के अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कमेंट करें। मिलते हैं आपसे एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।